जादू की छड़ी। एक दिन बिरबल के पास एक समस्या आई। महाराज, मेरे सारे पैसे और गहने चोरी हो गए हैं। केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, मेरी चीजें मुझे लौटा दे सकते हैं। क्या तुम्हें किसी पर शक है? शायद मेरे घर का नौकर हो सकता है। दूसरे दिन बिरबल ने सारे नौकरों को बुलाया और हरेक के हाथ में एक एक छड़ी दे दी। ये छड़ियां जादू की हैं। सभी को मैं एक एक छड़ी दूंगा। जिसने चोरी की है उसकी छड़ी कल आधा इंच लंबी हो जाएगी। अब तुम जाओ। सारे नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा गया। दूसरे दिन सुबह बीरबल ने सभी छड़ियों की जांच की। उसमें से एक छड़ी आधा इंच छोटी थी। उस नौकर को आगे बुलाया गया। चोरी तुम ही ने की है, गुनाह कबूल करो। हाँ महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं गलती मान लेता हूँ। महाराज, आपने कैसे पहचान लिया? ये छड़ी जादू की नहीं है, या आधा इंच बढ़ने वाली भी नहीं। लेकिन जिसने चोरी की थी उसे यह डर था कि ये छड़ी आधा इंच बढ़ेगी, और इसीलिए उसने उसे बढ़ने से पहले ही काट दिया। इससे मुझे पता चल गया कि वही आदमी असली चोर है।